टीचर्स एज बुलिस हमने अभी तक ये बात की है कि जो तलब इम है वो एक दूसरे के लिए बुलीज़ हो सकते हैं लेकिन टीचर्स भी जो हैं वो भी बुलिंग का किरदार अदा कर सकते हैं इसका मतलब ये है टीचर्स कैन इमर्ज एज़ बुलीज़ इन द स्कूल और इन द्लास रूम जो बुलिंग टीचर है वो आम तौर पर उसकी बड़ी डिक्टटोरियल प्रेजेंस होती है ही और शी इज़ एन अथॉरिटेरियन फिगर इन द क्लासरूम और वह मुख्तलिफ तरीकों के साथ स्टूडेंट्स को बुली करता है या करती है मिसाल के तौर पर जो बुलिंग टीचर है वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा सज़ा देता है ई और शी पनिश यू स्टूडेंट्स बैडली क्योंकि उसमें वो मे बी ई और शी डिराइव सम काइंड ऑफ प्लेजर आउट ऑफ इट सो अगेन इट गोज़ विद दाइकोलॉजी ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन कोई भी जो शख्स है उस्ताद अगर है या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उसकी नफसयात क्या है वो क्यों स्टूडेंट्स को बुली करना चाहता है या चाहती है वो ऐसी कौन सी फ्रस्ट्रेशन है जो स्टूडेंट्स पर निकालना चाहते हैं पनिशमेंट जो है बहुत कॉमन होती है उन बोलीस होते हैं इसके अलावा मैनिपुलेट करते हैं सिचुएशंस को बात इल्ज़ाम लगा देते हैं स्टूडेंट्स पे स्टूडेंट्स ने कोई काम नहीं किया गलत होता और कह देते हैं कि आपने किया है सो दोजीचर्स आर मिनिपुलेटि नेचर दे ट्राई टू मिनीपुलेट सिचुएशन एंड समाइम्स दे ब्लेम और ओवर ब्लेम द स्टूडेंट्स और रॉन्गली ब्लेम द स्टूडेंट तो ये भी बुलिंग में आता है इसके अलावा जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स की तस्ही करते हैं दूज देर द रेडिक्यूल द स्टूडेंट्स और द यूज सरकाज वि डिसप्लिनरी प्रोसीजर से बियॉन्ड होते हैं बाज़ जो चीज़ें हैं वो डिसिप्लिनरी एक्शन में आती हैं कि टीचर्स ने यह करनी है क्योंकि उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इनकी हम बात बहुत दफा कर चुके हैं लेकिन वो बिहेवियर्स जो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स के बियॉन्ड हैं वो अगर किए जाएं तो वो फिर बुलिंग के जुमरे में आते हैं तो कोशिश ये करें कि टीचर्स जो टीचर बुल है वो ना हो क्योंकि बुलीज़म अगर क्लासरूम में होगा तो वहाँ पर जो है मुस्बत पढ़ाई नहीं हो सकती इसके अलावा जो टीचर बुली करता है या करती है तो वो प्रोफेशनल मेल प्रैक्टिस है दैट इज़ नॉट प्रोफेशनलिज्म एट ऑल एंड दैट इज़ नॉट दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल दैट बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल इन द क्लास टीचर का वो रवैया जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है इसको टीचिंग थ्रू कोअर्जन कहते हैं कि आप ज़बरदस्ती जो है वो स्टूडेंट से कोई काम करवा रहे हैं या वो नहीं करना चाहते हैं तो आप जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो ये भी बुलिंग में आता है इसको इससे इसका नतीजा ये निकलता है कि एक ऑटोमेटिकली देर इज अ डिसकनेक्ट बिटवीन द स्टूडेंट एंड द टीचर स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर से दूर होते चले जाते हैं और टीचर की जो प्रेजेंस है वो बहुत थ्रेटनिंग प्रेजेंस हो जाती है स्टूडेंट्स में डर और खौफ बैठ जाता है और फिर जहाँ डर और खौफ खौफ हो वहाँ पर मुस्बत पढ़ाई नहीं हो सकती एकेडमिक क्लाइमेट ऑफ द क्लासरूम गेट्स डायरेक्टली इफेक्टेड इफ़ अ टीचर टर्न्स आउट टू बी अ बुली इसके अलावा जब आप बुलिज़म करते हैं जब जो उस्ताद है वो बुली बन जाता है या बन जाती है तो ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट है उसकी जो सेल्फ इस्टीम है उसकी जो साख है वो मजरू होती है मोटिवेशनल लेवल जो है वो डाउन हो जाता है सेल्फ इस्टीम लो हो जाती है और स्टूडेंट जो है ही और शी स्टॉप थिंकिंग गुड ऑफ हिम और हर सेल्फ और ये जब हो वहाँ पर बेहतर पढ़ाई लिखाई नहीं हो सकती वहाँ स्टूडेंट्स जो हैं उनमें फ्रस्ट्रेशन होती है डिप्रेशन होता है लो सेल्फ इस्टीम होती है और वहाँ पर जो क्लासरूम का माहौल है वो इंतहाई मनफी होता है तो टीचर्स जब बुलेस के तौर पर सामने आते हैं तो वहाँ पर इंतहाई नेगेटिव बिहेवियर सामने आ जाते हैं द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस दे गेट इफेक्टेड देयर कैन बी नो इम्पॉर्टेंस दैट कैन बी गिवन टू The management of student behavior, let alone management of teacher behavior, or the academic side hai of the classroom, that gets directly affected. Teacher bullying is a bad quality and should be controlled to the maximum.